हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हम इंटीग्रेशन सीखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज दिस पार्शियल फ्रैक्शन, इससे पहले हम समझते हैं दो टाइप के फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 2x+3/3x² + 4x + 5, यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 2x² + 3/3x² + 4x + 5 और 2x³+3/3x² + 4x + 5। Both of these are improper fraction because you can see here degree of numerator 2, degree of denominator is also 2, दोनों की degree equal है, और यहां तो degree of numerator 3 है and degree of denominator 2, that is degree of numerator अगर denominator की degree से greater है या equal to है तो उसे बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगा तो हम डिवाइड करके इसको क्या बनाते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाते हैं, और किस फॉर्म में लिखते हैं, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, सो अगर प्रॉपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इम्प्रॉपर है तो पहले उसे प्रॉपर बनाना है और उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है। स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद अब हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब हमारा फ्रैक्शन कैसा होगा, प्रॉपर। अभी मैंने बताया अगर इम्प्रॉपर है तो उसे हम प्रॉपर बनाएंगे। अब अगर हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर है तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। अब तक हम 7th, 8th, 9th से जब से भी हमने फ्रैक्शन सीखना शुरू करा है, हमने सीखा है हाउ टू सिंप्लीफाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सपोज 1/2 + 1/3, तो हम क्या करेंगे, 2 × 3, 3 + 2, दैट इज 5/6। अब इंटीग्रेशन में हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। अभी यहां पर दो अलग अलग थे, उन्हें एक बनाया, अब एक फ्रैक्शन को स्प्लिट करेंगे। सो सपोज 1/6 है, मतलब 1/2 × 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 − 1/3। तो 1/6 या 1/2 × 3 को हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, दो सेपरेट। सो ऐसा ही अब हम सीखेंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो पहला टाइप जो रहेगा दैट इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इसमें भी 3 या 4 टाइप्स है, एक है नॉन रिपीटेड, एक है रिपीटेड और एक में क्वाड्रेटिक। लीनियर जरूरी नहीं है, तो हम टाइप 1 करने जा रहे हैं, दैट इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। एग्जांपल देखो, ax² + bx + c / x + a, x + b, x + c। फर्स्ट थिंग, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। Why it is proper? Numerator की degree 2 है और denominator की degree 3 आएगी, means it is proper. सभी linear है, factors 3 है, और तीनों कैसे हैं, linear, और कोई भी factor repeat नहीं होता। एक में x plus a है, एक में x plus b, एक में x plus c। तो इसे हम कैसे solve करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे। सपोज यहां पर मैं ले लेती हूं p, कोई भी नंबर है q r, तो लिखते टाइम हम कैसे लिखते हैं, a/x + a, b/x + b, c/x + c,
और सॉल्व करके हम वैल्यू निकालते हैं ए बी एंड सी की। निकालने के बाद हमें इंटीग्रेट करना है इसे। अब इतने बड़े को इंटीग्रेट करें या फिर हमने उनको पार्शियल फ्रैक्शन में कर दिया, तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट इंटीग्रेट। और अब इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स। सो वन अपॉन एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए। वन अपॉन एक्स प्लस बी का लॉग ऑफ एक्स प्लस बी। वन अपॉन एक्स प्लस सी का लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो आज मैं यही टाइप तुम्हें एग्जांपल्स लेकर एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। सो ओके, अभी जो मैंने बताया नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 3, मतलब ये है प्रॉपर। ओके, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर तीनों नॉन रिपीटेड है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस टू, सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। सॉल्व कैसे करेंगे, अब वो बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर। सो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी इनका एलसीएम क्या होगा, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। ओके, ए के नीचे एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, तो ए के साथ क्या आएंगे, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। बी के साथ क्या आएगा, बी के साथ एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री। एंड सी के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू। ओके, अब ये दोनों साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो फाइनली हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू ए, मतलब जो भी नीचे है वो छोड़कर बाकी के दो, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, प्लस बी एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री, प्लस सी एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू। अब हम वैल्यूज निकालेंगे वन बाय वन ए बी एंड सी की। कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है तो हम B और C को जीरो बनाएंगे। अब B और C जीरो कैसे बनेंगे, तो देखो A में टू और थ्री वाले दोनों हैं, कौन सा नहीं है, वन वाला नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जीरो हो जाए तो X को क्या रख देंगे, फॉर A, A की वैल्यू निकालने के लिए पुट X इक्वल्स टू वन। जैसे ही X इक्वल टू वन रखोगे तो वन स्क्वायर प्लस टू A, यहां पर वन प्लस टू, वन प्लस थ्री, जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो ये कंप्लीट जीरो, वन माइनस वन जीरो, सो ये कंप्लीट जीरो। सो क्या हो जाएगा, ये वन स्क्वायर वन, वन प्लस टू थ्री, और ये भी थ्री फोर। सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाय फोर। अब हम निकालेंगे B की वैल्यू। सो फॉर बी, अब x को क्या रखेंगे, माइनस टू, माइनस टू रखते ही a जीरो हो जाएगा क्योंकि a के साथ है x प्लस टू, माइनस टू प्लस टू जीरो, ये जीरो और ये भी जीरो। तो b के लिए यहां से देखो x को क्या रख दो, माइनस टू, माइनस टू स्क्वायर प्लस टू, यहां देखो इधर a, ए तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज जीरो, ठीक है। बी में रखते हैं माइनस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस थ्री। सी में रखोगे माइनस टू प्लस टू जीरो, मतलब ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, थ्री एंड माइनस टू वन, तो ये सिक्स माइनस थ्री बी, तो बी कितना, माइनस टू, सिक्स अपॉन माइनस थ्री, दैट इज माइनस टू।
अब हम निकालेंगे सी. एनी आइडिया सी के लिए क्या पुट करना चाहिए? सी के नीचे लिखा है x प्लस थ्री, इसका मतलब सी के लिए हम क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू को माइनस थ्री पुट करेंगे. माइनस थ्री पुट करने पर a वाला भी जीरो हो जाएगा. माइनस थ्री पुट करेंगे तो माइनस थ्री प्लस थ्री b वाला भी जीरो हो जाएगा और हम वैल्यू निकालेंगे c की. तो क्या हो जाएगा? माइनस थ्री स्क्वायर प्लस टू, ये तो जीरो, माइनस थ्री रखते ही ये जीरो, माइनस थ्री रखने पर ये भी जीरो. सो माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री प्लस टू, सो ये नाइन प्लस टू, ये कितना? माइनस फोर माइनस वन, सो फोर सी. सी कितना? इलेवन बाय फोर. नाउ ए बी एंड सी तीनों की वैल्यूज आ चुकी है. तो ध्यान से समझो, पहले हमने क्या किया? ए अपॉन सेपरेट लिखा, सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाली. सो फाइनली देयर फोर, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? देयर फोर, यहां से स्टार्ट करेंगे. दिस x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये? a की जगह वैल्यू रख दो, क्या? वन बाय फोर अपॉन एक्स माइनस वन, बी के प्लेस पर माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, सी के प्लेस पर इलेवन बाय फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री. सो इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, सेपरेट कर दिया. अब हमें करना है इंटीग्रेट. ओके, सो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री डीएक्स. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका मतलब इन सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन. ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे. तो ये हो जाएगा वन बाय फोर वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, माइनस टू वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, इलेवन बाय फोर वन अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स. नाउ सिंपली वी कैन इंटीग्रेट. कैसे? वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स. तो लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस सी. दिस इज द फाइनल आंसर. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स. फर्स्ट वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है. इट इज प्रॉपर है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर टू है तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सिक्स है. बट यहाँ पर सब जगह ऊपर भी और नीचे भी एक्स स्क्वायर है. तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को एम पुट करेंगे. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एम एम प्लस वन एम माइनस टू एम प्लस थ्री. अब हम करेंगे, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. सो अब हम करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे. ओके, सो हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे इसे? ए अपॉन एम प्लस वन, बी अपॉन एम माइनस टू, सी अपॉन एम प्लस थ्री. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के साथ क्या आएगा? एम माइनस टू एम प्लस थ्री. बी के साथ क्या आएगा ये छोड़ दो, एम प्लस वन एम प्लस थ्री. और सी के साथ इसे छोड़ दो, क्या आएगा? एम प्लस वन एम माइनस टू. ओके, अपॉन में क्या आएगा? एम प्लस वन एम माइनस टू एम प्लस थ्री. यहाँ पर भी क्या आएगा? एम प्लस वन एम माइनस टू एम प्लस थ्री. ये कैंसिल. अब हमें निकालनी है वैल्यू ए बी और सी की. सो जब हम वैल्यू निकालेंगे ए की,
सो फॉर ए, ए निकालने के लिए हम m को क्या रखेंगे, a के नीचे क्या है m प्लस वन, तो a को क्या रख देंगे m इक्वल्स टू माइनस वन। सो माइनस वन रखने पर ये क्या हो जाएगा माइनस वन m, यहाँ पर क्या है m और यहाँ पर क्या रह गया, मैं यहीं पर रब कर देती हूँ, ओके सो ये आ गया राइट तो ये हो गया माइनस वन और यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस वन माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री, यहाँ हम माइनस वन रखेंगे तो b इंटू ज़ीरो c इंटू ज़ीरो, सो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री और ये हो जाएगा टू, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, सो माइनस वन माइनस सिक्स a, सो a इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्स। अब हम निकालेंगे b, सो फॉर b m को क्या रखेंगे, b के नीचे है m माइनस टू तो m को क्या रखेंगे टू, तो ये हो जाएगा टू इक्वल्स टू a टू माइनस टू ज़ीरो प्लस b टू प्लस वन टू प्लस थ्री और c के साथ टू माइनस टू ज़ीरो, सो ये हो गया थ्री और ये है फाइव, सो ये हो जाएगा थ्री और ये फाइव, सो बी क्या हो जाएगा टू अपॉन फिफ्टीन, ओके बी की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ सी, तो सी के लिए क्या करेंगे फॉर सी एम को क्या रखेंगे, सी के नीचे कितना है माइनस थ्री तो एम को पुट करेंगे माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, ए क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, ऐसे बी भी क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो और सी हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू, सो ये हो जाएगा माइनस थ्री ज़ीरो प्लस ज़ीरो सी के साथ माइनस टू माइनस फाइव, सो माइनस थ्री टेन सी माइनस थ्री अपॉन 10, ये वैल्यू आ चुकी है ए की बी की एंड सी, सो देयरफोर एम अपॉन एम प्लस वन एम माइनस टू एम प्लस थ्री ये किसके इक्वल होगा ए, ए के प्लेस पर 1 बाय 6 अपॉन एम प्लस वन, बी 2 by 15 upon m minus 2, c minus 3 by 10 upon m plus 3, ओके अब हम m के प्लेस पर क्या रख देंगे x square, so therefore x square plus 1, x square minus 2, x square plus 3, ये किसके equal 1 by 6, x square plus 1, 2 by 15 x square minus 2 and minus 3 by 10 x square plus 3. अब हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स और सिंपली वी कैन राइट देयरफॉर i इक्वल्स टू किसके, ये 1 by 6 तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन किसका एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डी एक्स, टू बाय फिफ्टीन बाहर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर माइनस थ्री बाय टेन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट थ्री ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स, ओके फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सो फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c एंड दूसरा फॉर्मूला जो यूज करेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, तो देखते हैं यहाँ पर 1 अपॉन 6 ये हो जाएगा tan इनवर्स x, 2 अपॉन 15 फॉर्मूला ये वाला 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग
एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू माइनस थ्री बाय टेन, ये वाला फॉर्मूला वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सिंप्लीफाई होता है टू से, ये टू कैंसिल, ओके यहाँ पर ये क्या आ जाएगा रूट थ्री, सो वन बाय सिक्स टेन इनवर्स एक्स, वन बाय फिफ्टीन रूट टू लॉग ऑफ एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री बाय टेन, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 12x प्लस 3 अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 63 विच इज प्रॉपर फ्रैक्शन, बट इट इज नॉट, बट डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं दिया, इट इज गिवन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो एक मेथड है जो हमने 3.3 एक्सरसाइज में किया था, दैट इज ये फॉर्म हो जाएगी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, जिसमें हम पी एक्स प्लस क्यू को रखते हैं ए डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, सेपरेट करते हैं एंड देन इंटीग्रेट करते हैं, बट वो मेथड बहुत लेंदी हो जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन को सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, बट हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 63 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके 63, 7 नाइन्स आर 63 इंटू 6। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 63 इंटू 6 आए, लेकिन माइनस करने पर 13 आए, तो ये हो जाएगा 27 एंड 14, ओके प्लस का 27 माइनस का 14, तो क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 14x माइनस 63। सो दिस वी कैन राइट एज फैक्टर्स कर रहे हैं हम यहाँ से, 3x कॉमन, सो 2x प्लस 9 माइनस 7 कॉमन 2x प्लस 9, सो दिस वी कैन राइट एज 12x प्लस 3, 2x प्लस 9, 3x माइनस 7 dx। नाउ दिस इज आई, नाउ यू कैन सी दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर जो है लीनियर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, सो देयरफोर क्या करेंगे, 12x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 9, 3x माइनस 7, इसको हम क्या लिखेंगे, ए 2x प्लस 9, बी 3x माइनस 7। इससे पहले के जो हमने दो क्वेश्चंस किए उसमें तीन थे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यहाँ पर दो हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 12x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 9, 3x माइनस 7, ये हो जाएगा a इंटू 3x माइनस 7 प्लस b इंटू 2x प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 9, 3x माइनस 7, ये क्या हो गया, कैंसिल। सो फाइनली क्या आ गया यहाँ पर, 12x प्लस 3 a 3x माइनस 7 प्लस बी 2x प्लस 9। नाउ आवर एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी को जीरो बनाएंगे, सो फॉर ए की वैल्यू निकालने के लिए हम पुट करेंगे एक्स को, क्या पुट करेंगे, ए के नीचे क्या है, ध्यान से देखो, ए के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 2x प्लस 9, सो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करेंगे, माइनस 9 बाय 2, सो x को रख देंगे माइनस 9 बाय 2, 9 बाय 2 पुट करने पर क्या आएगा, 12 इंटू माइनस 9 बाय 2 प्लस 3, a 3 इंटू माइनस 9 बाय 2 माइनस 7, और ये तो क्या हो जाएगा, 0, सो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 54 प्लस 3,
ये हो जाएगा माइनस 27 अपॉन 2, दैट इज माइनस 14 अपॉन 2, सो माइनस 15, और ये कितना 41 अपॉन 2, सो a की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, 51 इंटू 2 अपॉन 41, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ a. अब हम निकालेंगे फॉर b, तो x को क्या रखेंगे, अब b के नीचे कितना है 3x माइनस 7, सो देखते हैं यहाँ पर 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x कितना 7/3, तो हम पुट करेंगे x को कितना 7/3, तो क्या आएगा ये 12 इंटू 7/3 प्लस 3, ओके इक्वल्स टू a तो 0 हो जाएगा, b 2 इंटू 7/3 प्लस 9, 28 प्लस 3 ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 14/3 प्लस 9 मतलब 27, ओके अपॉन 3, सो ये हो जाएगा 31, और ये कितना 41 अपॉन 3, सो देयरफोर फाइनली b की वैल्यू ये 3 है, तो b क्या हो जाएगा 31 इंटू 3 अपॉन 41, दैट इज 93 अपॉन 41, ये हो गई b की वैल्यू 93 अपॉन 41 एंड a की वैल्यू 102 अपॉन 41. अब हमें इंटीग्रेट करना है, पहले तो हम देखते हैं देयरफोर 12x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 9 3x माइनस 7, ये किसके इक्वल है a, a की जगह क्या रखेंगे 102 अपॉन 41 2x प्लस 9 प्लस b, b के प्लेस पर क्या लिखेंगे 93 अपॉन 41 3x माइनस 7. अब हमें करना है इंटीग्रेट, सो देयरफोर i क्या हो जाएगा, i मींस इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मतलब इन दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन, ओके ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इन्हें बाहर निकालेंगे 2x प्लस 93 अपॉन 41 3x माइनस 7 dx, सो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो ये हो जाएगा log 2x प्लस 9 अपॉन 2, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा log ऑफ 3x माइनस 7 अपॉन 3 प्लस c, क्योंकि x का कोफिशेंट 3 यहाँ पर 2, तो इनसे डिवाइड कैंसिल कर दो, ये 51 ये 31, सो i इक्वल्स टू 51 अपॉन 41 log 2x प्लस 9 31 अपॉन 41 log 3x माइनस 7 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर. फोर्थ वन देखते हैं, विच इज वेरी मच सिमिलर टू थर्ड वन, 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी डिनोमिनेटर को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है, उसके लीनियर फैक्टर्स नहीं निकाले, सो क्वाड्रेटिक को पहले हम लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पर माइनस 4x स्क्वायर, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3, तो 4 एंड 1 माइनस 4 एंड प्लस 1, तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 4x प्लस 1x माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस वी कैन राइट 4 1 माइनस एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, सो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स, ओके हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स कर लिए, राइट फैक्टर्स तो हो गए, अब हम इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, हाउ टू राइट
a अपॉन वन माइनस एक्स प्लस बी अपॉन फोर प्लस एक्स. नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स दो ही हैं. सो ये हो जाएगा 2x अपॉन वन माइनस एक्स फोर प्लस एक्स ए फोर प्लस एक्स प्लस बी वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स फोर प्लस एक्स. ये कैंसिल. अब a और b की वैल्यू निकालनी है. ओके सो फॉर a, a की वैल्यू निकालने के लिए x को क्या पुट करना चाहिए? तो a के नीचे क्या है? वन माइनस एक्स. वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो. एक्स की वैल्यू वन पुट कर देंगे तो टू इंटू वन. यहाँ पर क्या है? टू एक्स. टू इंटू वन ए फोर प्लस वन. बी तो जीरो हो जाएगा. सो ये हो जाएगा फाइव ए. ए कितना? टू अपॉन फाइव. अब हम निकालेंगे बी की वैल्यू. सो फॉर बी, बी के नीचे क्या है? फोर प्लस एक्स. सो x कितना हो जाएगा? माइनस फोर. ओके सो यहां पर हम x को क्या रख देंगे? माइनस फोर. सो ये हो जाएगा टू इंटू माइनस फोर. टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर. ए तो क्या हो जाएगा? जीरो. और b वन माइनस माइनस फोर दैट इज वन प्लस फोर. सो ये हो जाएगा माइनस एट फाइव बी. तो b कितना? माइनस एट अपॉन फाइव. सो ए की वैल्यू आ गई टू बाय फाइव. बी की वैल्यू आ गई माइनस एट बाय फाइव. सो इट मीन्स दैट टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स फोर प्लस एक्स. इसको हम क्या लिखेंगे? ए अपॉन वन माइनस एक्स मतलब टू बाय फाइव अपॉन वन माइनस एक्स. बी अपॉन फोर प्लस एक्स मतलब माइनस एट बाय फाइव अपॉन फोर प्लस. सो अब हमें करना है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब हम इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे. ओके सेपरेट इंटीग्रेशन. अब यहां पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा दैट इज टू अपॉन फाइव. तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स. ऐसे यहाँ पर 8 अपॉन 5, 1 अपॉन 4 प्लस एक्स डी एक्स. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स? इट इज लॉग एक्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स. बट ध्यान में रहे हमें डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 1 से क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस 1. सिमिलरली यहाँ पर log of कितना? 4 प्लस एक्स प्लस सी. सो दिस वी कैन राइट एज माइनस 2 बाय 5 log 1 माइनस एक्स माइनस 8 बाय 5 log of 4 प्लस एक्स प्लस सी. दिस इज अवर आंसर. So that's all for today's lecture, students. Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.